हाय, जय माता दी। दिस इज़ कविता भक्तियानी। आज हम बनाएंगे बीह की भाजी। सिंधी में इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं लोटस स्टेम, और इसे कहते हैं कमल ककड़ी भी। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन ये देखिए, ये ऐसे दिखते हैं। इसे पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद इसे पील करना पड़ता है। और हमने इसे दो टाइप में बनाएंगे। आज मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगी। इसके कई मेथड है, बट टुडे आई शेयर टू मेथड्स। इनको ऐसे पीसेस में काट लेने हैं, और दूसरे वाले को हमने एकदम पतला पतला काट लेना है। इसके लिए हमें चाहिए ऑनियन, टोमेटो, धनिया, लहसुन, अदरक, लहसुन थोड़ी पीसी हुई, हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई। मसालों में हमें चाहिए गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। और अभी हम इसे पहले बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के टाइम अगर उसमें आपने दो तीन पालक पत्ती, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के बॉईल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे 2 सीटी या 3 सीटी लगा से। फिर पैन रखना है। पैन में हमने लहसुन कूटी हुई, प्याज, हरी मिर्च, अदरक ये सब सौते कर लेना है। इसे थोड़ा हमने कलर लाना है, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जावे ऐसे। हाँ, ये ऐसे हो जाने के बाद इसमें हमने टोमेटो डाल देना है और मसाले डाल देने हैं, और फिर इसे और सौते करना है। हम ये सौते होने के बाद इसमें भी ये सब्जी डाल सकते हैं और बना सकते हैं, पर मैंने इसे सबको निकाल दिया है, और फिर इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसे पीस लिया है। और पीसने के बाद ये एकदम अच्छी ग्रेवी के जैसी बन जाती है, ये देखिए। हाँ, अब हम इसमें वो हमारे जो बी लोटस स्टेम जो मोटे मोटे कटे हुए हैं वो हमने थोड़े से पैन में सौते कर लेने हैं, और उसे थोड़े सा सौते होने के बाद हमने वो उसमें ग्रेवी मिक्स डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही यमी बनता है। हमने भी बॉईल करने के टाइम नमक डाला था ग्रेवी में, उसके हिसाब से नमक डाला था। और ये देखिए, ऐसे ये आपकी एक सब्जी रेडी हो जाती है। इसे आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी लाइट ग्रेवी भी कर सकते हैं। ये दूसरे हैं जो हमने बारीक पतले पतले काटे थे, उसे हमने बॉईल कर देना है नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद हमने इसे पैन में सौते करना है। इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। इसमें हमने अक्खी अक्खी लहसुन डालनी है, अक्खी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। मैंने लहसुन, धनिया और वो भी डाले हैं उसमें, और काली मिर्च, बस सॉल्ट एंड पेपर। और इसे अच्छे से ड्राई सेक लिया है, और ये बहुत ही यमी वे बनते हैं, वेफर्स के जैसे बनते हैं। इसे हम बोलते हैं बी की कचरी, और इसे आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सॉल्ट और पेपर है, और हरा धनिया और अक्खी अक्खी लहसुन है। ये देखिए, दो टाइप्स मैंने बना दिए हैं। मैं आपके साथ इसकी और भी शेयर करूंगी रेसिपी। ये सिंधी स्पेशल भाजी है, बीहन जी भाजी। प्लीज़ कीप वॉचिंग। टिल देन आई शेयर यू नेक्स्ट डिश। बाय। जय माता दी।